राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों दोस्तों, आज शाम 5 बजे से आप सभी के जीवन काल में एक अनोखा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों आज शाम 5 बजे से आपकी वर्षों की तपस्या का फल मिलेगा। जो देखेगा वही पाएगा और जो नहीं देखेगा वो सब पछताते रह जाएगा, क्योंकि तुला राशि वालों हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। जिनके लिए आपकी आंखें तरस गई थी और आप सोच रहे थे तुला राशि वालों कि हे भगवान, हे प्रभु, यह सभी चीजें हमें कब मिलेगा, तो तुला राशि वालों हम आप सभी को बता दें वो चीज अब आपको मिलने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5 बजे के बाद न्याय के देवता भगवान शनि देव जी आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे तुला राशि वालों आपको 5 बड़े शुभ समाचार मिलकर रहेंगे, क्योंकि तुला राशि वालों गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगा। जी हाँ, इसलिए तुला राशि वालों आपके जो प्रयास हैं, आपके जो मेहनत हैं, अब वो रंग लाने वाली है। एक प्रकार से यूं कहें तुला राशि वालों, आपके मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ तुला राशि वालों, आप अपने जीवन काल में जितने मेहनत किए थे उनका शुद्ध मूल लगाकर न्याय के देवता भगवान शनि देव जी अब आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, किस तरह से आपको प्राप्त करना होगा इसकी जानकारी मिलेगी आपको केवल आज की वीडियो में। उसके लिए वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना होगा, एकदम शांति मन से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले भगवान शनि देव जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। इससे भगवान शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं। तुला राशि वालों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज आपको 5 बड़े शुभ समाचार मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि निखर कर सबके सामने आएगी और आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर चिंता करेंगे जो आपके लिए भी नुकसानदायक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बेहतर यही है कि आपको अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, इससे आपका काम समय पर खत्म हो पाएगा, लेकिन आपको धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित है तो उसमें भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आज आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि बन रही है, आपका सभी काम बिना रुकावट के, बिना बाधा के पूर्ण होते जाएंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन व्यापार कर रहे लोगों को किसी बड़े लाभ के चक्कर में लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आगे चलकर समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बनी रहेगी और नेतृत्व क्षमताओं का बल मिलेगा। आप अपने माता पिता की किसी बात को लेकर बहसबाजी में पड़ सकती हैं, लेकिन आपको बड़ों की बात सुनना व समझना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर से माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकलें, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करके अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे।
जी हाँ दोस्तों, और आप अपनी वाणी व व्यवहार से सभी को एकजुट बनाए रखेंगे। आपको अपने लेन देन के मामले में सावधानी अवश्य बरतनी होगी, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। आप देखिए, अत्यधिक लाभ के चक्कर में ज़्यादा धन का निवेश ना करें। जी हाँ, खासकर आज के दिन आपको ध्यान रखना है, निवेश अगर आप लॉटरी सट्टी में शेयर बाजार में धन का निवेश कर रहे हैं तो लालच आज आपको नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होगा। जी हाँ, सितारे कहते हैं कि कहीं गलत जगह धन लगा सकती हैं। जी हाँ, इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मामा पक्ष आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बाकी की दिनों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगी। यदि आपने किसी काम को जूनियर के भरोसे छोड़ा है तो उसमें बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी हो सकती है। यदि प्रेम जीवन जी रहे लोग शादी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पर आकर आपको निवेश नहीं करना है। जी हाँ, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, काम को समय रहते पूरा करें। आप अपनी यदि आपने डेली रूटीन कार्य में बदलाव किए हैं तो आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। अभी जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए वृद्धि और विवेकशील निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। जी हाँ, नहीं तो कोई वाद विवाद पनप सकता है। आप अपने देखिए अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे। वरिष्ठ सदस्य यदि आपसे कोई बात कहे तो उसे समय रहते पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आ सकती है। विद्यार्थी अपने कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं तो उन्हें उसे छुटकारा मिलेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अत्यधिक जो है मेहनत करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति भी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। समय कुल मिलाकर अनुकूल रहने वाला है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी और नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जी हाँ, जो कि उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे और आपका कोई चल अचल संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो उसमें भी आज आपको जीत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज आपके अंदर बाहर आएगी जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को आज कोई बेहतर अवसर मिल सकता है, लेकिन आपको प्रयास में लगे रहना है और विरोधी आज आपके सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, किसी से भी आज के दिन आपको नहीं उलझना है, नहीं तो बेवजह के वाद विवाद में पड़ सकते हैं। जी हाँ, लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं। शांति रहिएगा, सतर्क रहिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपके परिजन की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। जी हाँ, अगर आपका कोई घर का सदस्य आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उनको आप जरूर मानिए, आपको लाभ होगा और आप अपने करीबियों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार में आपको किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। जी हाँ, लेकिन आपको उसे नज़रअंदाज करना है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आज आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप कुछ प्यार भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको अपने परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो है प्यार भरी जिंदगी में जहर घोल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना आपको ध्यान जरूर रखना है। भाग्य आपका 75% साथ दे रही है। आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। मेहनत से काम करें, आपको अपना विवेक से काम करना है, सफलता जरूर मिलेगा। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।